नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम सामाजिक घटनाओं की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। हम समाजशास्त्री होने के नाते समाज का अध्ययन करते हैं और समाज में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं। मोटे तौर पर विश्व की समस्त घटनाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक और सामाजिक। ये प्राकृतिक घटनाएं वे हैं जिन पर नियंत्रण प्रकृति के हाथ में है। ये घटनाएं भौतिक और स्थूल हैं, इनका निरीक्षण और परीक्षण किया जा सकता है। प्राकृतिक घटनाओं के विपरीत दूसरे प्रकार की घटनाएं भी होती हैं जिन्हें सामाजिक घटनाओं के नाम से जाना जाता है। अभी तक मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने में मनुष्य को पर्याप्त सफलता नहीं मिली है। समाजशास्त्री के सामने मौलिक समस्या इसी मानव व्यवहार से संबंधित है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सामाजिक घटना पर वैज्ञानिक पद्धति को कैसे लागू किया जाए। इस मौलिक समस्या के अध्ययन के लिए हमें सामाजिक घटनाओं की प्रकृति या लक्षणों का आलोचनात्मक विवेचन करना होगा। यहाँ यह पता लगाना आवश्यक है कि सामाजिक घटना की प्रकृति क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और सामाजिक घटना की प्रकृति की निम्नांकित विशेषताओं के आधार पर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला है सामाजिक घटना की जटिलता। सामाजिक घटना की प्रकृति और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी जटिलता है। समाज में एक एक भाग स्वयं में इतना अधिक जटिल है कि उसे समझना काफ़ी कठिन है। दूसरा, सार्वभौमिकता का अभाव। समाज की प्रकृति सिर्फ जटिल ही नहीं अपितु इसमें सार्वभौमिकता का गुण भी नहीं है। जो घटना भारतीय समाज में घटित होती हैं वह आवश्यक नहीं कि विश्व के अन्य देशों में भी घटित हों। सामाजिक घटनाओं, तीसरा है सामाजिक घटनाओं की व्यक्तिनिष्ठता व अमूर्तता। सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण संभव नहीं है क्योंकि वे मूर्त होती हैं, वे अमूर्त होती हैं और मानवीय भावनाएं, विचार, आदर्श, मूल्य, प्रथा, परंपरा, पक्षपात, प्रेम, स्नेह, यह सभी व्यक्तिनिष्ठ और अमूर्त हैं। सामाजिक घटनाओं का कोई निश्चित वस्तुनिष्ठ स्वरूप प्रकट नहीं होता। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किसी न किसी रूप में व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों का ही अध्ययन होता है। इसके कारण भी हमारे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं पनप पाती। चौथा है सामाजिक घटनाओं की गुणवत्ता की गुणात्मकता। भौतिक घटनाओं तथा सामाजिक घटनाओं के बीच एक और अंतर जिसका कि उल्लेख अत्यधिक किया जाता है वह है भौतिक घटनाएं परिमाणात्मक होती हैं जबकि सामाजिक घटनाएं गुणात्मक होती हैं। घटनाओं की गुणात्मकता वैज्ञानिक अध्ययन के पथ पर एक बाधा बन जाती है। हम सहयोग, संघर्ष, संस्कृतिकरण, धार्मिक द्वेष, पक्षपात आदि की बातें कर सकते हैं लेकिन परिमाणात्मक रूप से इन्हें नाप नहीं सकते। समाजशास्त्रियों को मूल्य रूप में समाजशास्त्री को मूल्य, आदर्श, परंपरा, विचार, मनोभाव आदि गुणात्मक विषयों का अध्ययन करना पड़ता है और उनकी परिमाणात्मक नाप संभव नहीं। समरूपता का अभाव। सामाजिक घटनाओं की एक और विशेषता यह है कि कोई भी दो इकाइयां समान नहीं होती। इस समरूपता के अभाव के कारण ही वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग यथार्थ रूप में नहीं हो पाता। अगला पॉइंट है सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। सामाजिक घटनाओं की एक और उल्लेखनीय विशेषता या कमी यह है कि इसमें अत्यधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है। मनुष्य या मानव समूह के व्यवहार में तथा सामाजिक परिस्थितियों में, विशेषकर आधुनिक गतिशील समाज में, परिवर्तन अत्यधिक तेजी से होता रहता है। परिवर्तनशीलता का तात्पर्य कदापि यह नहीं है कि सामाजिक घटनाएं अव्यवस्थित
आकस्मिक और अनियमित रूप से घटित होती रहती हैं। थोड़ा सा सतर्क निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट पता चलता है कि परिवर्तनशीलता के बीच भी सामाजिक घटनाओं में निश्चितता, क्रमबद्धता और नियमितता होती है, जिसके कारण भी वैज्ञानिक अध्ययन उसी रूप में संभव है जिस रूप में कि प्राकृतिक या भौतिक घटनाओं का। अगला पॉइंट है, सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। पूर्व ज्ञान या भविष्य दृष्टि विज्ञान की कसौटी है। वैज्ञानिक नियम हमें यह इस बात का ज्ञान करवाते हैं कि भविष्य की संभावित प्रक्रियाएं किस प्रकार होंगी। कहा जाता है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति ही कुछ इस प्रकार की होती है कि इसके संबंध में भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता। वास्तविकता तो यह है कि भविष्यवाणी करने की शक्ति विज्ञान के अध्ययन वस्तु की प्रकृति पर नहीं, अपितु इस बात पर निर्भर है कि विज्ञान घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कितनी उन्नतशील प्रविधियों को विकसित करने में सफल होता हुआ।